आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मजदूर दिवस 1 मई पर श्रमिक वर्ग को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नेतृत्व वाली पंजाब मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के कुल मुआवजे पर 10% मुआवजा कृषि श्रमिकों को देने की घोषणा की। यह निर्णय शुक्रवार को सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि इस प्रमुख उद्देश्य उन खेत मजदूरों को मदद करना है जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए इस तरह के मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ खेत मजदूरों को भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।